इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने चा मिर्ज़ा साद हैं ऑडियो फॉर्म पे इन्होंने एक इमेज भेजी है। सवाल में लिखे कि इनकी मस्जिद में जो है वो किबला की तरफ एक कब्र की तस्वीर है वली की कब्र की, तो इससे नमाज में कराहत होगी या नहीं। तो इस तरह का अगर तस्वीर का नमाज से ताल्लुक से अगर कोई मसला हुआ करे तो उसमें कोशिश ये करें कि उस लोकेशन की ही फ़ोटो खींच के मेल किया करें या अटैच किया करें ताकि एग्जैक्ट पता चले कि वो चीज़ क्या है और किस पोजिशन पर किस हैसियत पर वो लगा रखी है। तो आपको चाहिए था कि वहाँ की एक तस्वीर खींच के किबला रुख जो है ना वो भेजनी चाहिए, लेकिन आपने ये सवाल में वजाहत कर दी कि वो कब्र की फ़ोटो है। तो मालूम ये चलता है कि शायद वली के किसी मज़ार शरीफ की फ़ोटो या इस मज़ार नुमा कोई कब्र शरीफ की फ़ोटो लगी हुई है कोई तस्वीर किबला की तरफ, तो इससे नमाज में कोई कराहत नहीं आएगी। क्योंकि नमाज में कराहत आती है कोई जानदार की तस्वीर लगी हुई हो, अब क्योंकि वो तो कब्र के अंदर हैं तो कब्र बज़ाहिर जो है वो जानदार नहीं है, यानी इसको निर्जीव कहते हैं कि वो नहीं है। तो ऐसी सूरत में उससे नमाज में इमाम की नमाज में या आपकी नमाज में कोई कराहत नहीं, उसे लगाने में कोई बुराई नहीं। क्योंकि मस्जिद के अंदर जानदार की तस्वीर का लगाना ऐसा उम्मीद तो नहीं है किसी अहले सुन्नत की मस्जिद में इमाम साहब की मौजूदगी में तस्वीर जो है वो लगाई जाए। अभी इतने बुरे हालात नहीं आए, अल्लाह करे आए भी ना कि इस तरीके का मामला हो, लेकिन फिर भी उसमें क्योंकि कब्र है तो इसलिए आपको शुबा हुआ होगा, तो उस तस्वीर से कोई हर्ज नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि मस्जिद या मदारिस वगैरह में गुंबद शरीफ की फ़ोटो होती है या किसी वली के मज़ार की गुंबद होती है या पूरा नक्श होता है, इसी तरह मदीना शरीफ का भी होता है, तो इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी पेंटिंग प्रिंटेड हो या हाथ की बनी हुई हो या जिस तरीके की हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। इसी तरह मज़ार की तस्वीर या उसकी गुंबद की तस्वीर से भी कोई नमाज में कराहत नहीं है, चाहे वो नमाजी के आगे हो या मस्जिद में हो या कहीं भी लगी हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पत्थर में हसन लाले पुरनवा।